नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट सजेशन पे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो विंडो मशीन के थ्रू, जिसके आपको किसी और थर्ड पार्टी साइट पे नहीं जाना, ऐड नहीं देखना, ना ही कुछ चीज परचेस करना। एक फ्री विंडो टूल्स है। सबसे पहले मैं आपको उसको डाउनलोड कैसे करना है वो सिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है गूगल पे और टाइप करना है एट्यूब कैचर, नाम याद रख लें एट्यूब कैचर। इसे किसी और साइट से जाकर डाउनलोड नहीं करना है आपको, इसकी खुद की ऑफिशियल साइट है, वहां से वायरस फ्री आपको डाउनलोड करना है। ओके, इस साइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लें। ओके, बहुत ही ईजी है। डाउनलोड करें आप, उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर लें। अब ये इंस्टॉल होने के बाद कैसा दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने सर्च बार में जाना है, टाइप करना है एट्यूब कैचर। अगर ये इंस्टॉल हो जाता है सक्सेसफुली तो ये इस तरह से आने लगता है। ठीक है, इसके बाद मैं अपनी उधर चला जाता हूँ कि मेरे पास सैंपल वीडियो रखा है जो कि MP4 क्वालिटी का है, और यूट्यूब में मुझे HD और SD दोनों दिखाने हैं। पर वीडियो जो मेरा रिकॉर्डेड हुआ है वो MP4 क्वालिटी का है, तो मुझे इसे HD और HD क्वालिटी बनाने के लिए एक वीडियो कन्वर्टर की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास दूसरे फॉर्मेट की वीडियो होती है और उसे आपको MP4 फॉर्मेट में बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल के जो वीडियो एडिटर होते हैं वो WMV5 को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो MP4 को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है, ये इंस्टॉल हो चुका है। इसमें बहुत सारी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि डाउनलोड वीडियो का, वीडियो कन्वर्ट का, स्क्रीन कैप्चर का, कन्वर्ट वीडियोज टू MP3, फाइंड वीडियोज, DVD। आप इससे DVD भी बर्न कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को रिसाइज कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और म्यूजिक भी है इसमें। पर आज जो हम फीचर की बात करेंगे वो है वीडियो कन्वर्टर का। ओके, मैंने इसका यूज आपको बता दिया है। आप इसका यूज एक वीडियो फॉर्मेट से दूसरे वीडियो फॉर्मेट में कर सकते हो। कई बार डेवलपर्स को जरूरत होती है डिफरेंट डिफरेंट वीडियो फॉर्मेट की फाइल अपलोड करके टेस्ट करने के लिए, तो वो भी इसका यूज कर सकते हैं। सेम फाइल को मल्टीपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं वन बाय वन। ओके, और यहाँ पर आप क्यू में भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे बंच में भी कर सकते हो, बल्क में भी कर सकते हो कन्वर्ट। तो मेरे पास एक वीडियो है जो कि मैंने आपको शो करी थी MP4 क्वालिटी के, और मुझे इसे यूट्यूब में डालने के लिए इसे HD में बनाना है। तो अभी जो इसकी क्वालिटी और रेशियो वो बहुत कम है। ओके, तो मैं इसे 1080p पिक्सल का बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास ये म्यूजिक के सेक्शन पे रखी हुई है, ये वाली मैंने इसे लेके आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें सिलेक्शन दिया हुआ है कि आप इसे किस फॉर्मेट में करना चाहते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सबॉक्स के लिए भी है, ठीक है, व्हाट्सएप के MP4 वीडियो क्वालिटी के लिए भी है। अगर आपको इसे छोटे मोबाइल पे चलाना, जो बहुत पुराने जमाने में आते थे, तो उसके लिए भी क्वालिटी है 3 GB में, मतलब आप 1-2 GB की मूवी को इतने पिक्सल में छोटे मोबाइल के लिए बना सकते हैं। ओके, तो उनमें भी वो वीडियो प्ले हो सकती है। तो मैं अभी जो कन्वर्ट करने जा रहा हूँ अपनी वीडियो को वो है हाई डेफिनेशन पिक्सल पे। ओके, ताकि मैं यूट्यूब पे HD और HD फॉर्मेट में इसे अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, तो ये इस तरह से देखने लगता है। आप चाहो तो मल्टीपल फाइल को भी ऐड कर सकते हो, पर मुझे अभी सिर्फ इसको करना है। तो मैं इसको हाईलाइट करके कन्वर्ट करते क्लिक कर दूंगा, तो ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपने मान लो अगर बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स हैं और उन्हें आपको ज्वाइन करते हुए कन्वर्ट करना है, तो भी आप इस चेकबॉक्स को चेक कर दीजिए, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी कन्वर्जन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ सेव होगा? सी यूजर के अंदर वीडियोज में जाकर सेव होगा, सेम नाम से। ओके, आप इस लोकेशन को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अभी ये 26% हो चुका है। इसके बाद मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा, और जब आप इतनी क्वालिटी का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करोगे तो उसमें HD और HD दोनों फॉर्मेट आएगा। ओके, तो कभी भी आप लो क्वालिटी में वीडियो अपलोड ना करें, हाई क्वालिटी में अपलोड करें, इससे बहुत सारे डिवाइस पे वो रिकमेंड करेगा। तो यहाँ 50% हो चुका है। अगर आप थोड़ी बड़े साइज की फाइल डाल दो 10 मिनट की, अभी ये करंट वीडियो 3 मिनट का है इसलिए इतना टाइम लेगा। और भी जैसे आप मूवी कन्वर्ट करते हो, जैसे कि बहुत सारी मूवीज होती हैं उनको MP4 बनाना है आपको, ताकि आप मोबाइल पे चला पाओ बिना किसी
थर्ड पार्टी प्लेयर की जरूरत की। कई बार आपको होता है मूवी प्ले करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।